किसी भी त्योहार फेस्टिवल पर जब आप कम से कम चीजों में इस मिठाई को बनाकर कुछ इस तरीके से सर्व करेंगे तो सब पूछेंगे कैसे बनाया। देखने में एकदम यूनिक और खाने में एकदम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनती है। तो वीडियो तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है और ये 100 ग्राम का पैकेट है। तो पहले मैं इसको डाल लेती हूँ कप के अंदर। मेजरिंग कप जो है वो मैंने लिया है, तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि 100 ग्राम में कितना आता है। तो वैसे तो देखिए एक कप के आसपास ही रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बच गया तो इसको मैं बचा लेती हूँ, इसी से मैं बनाऊंगी। और इसमें हम कोई मावा, मिल्क पाउडर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बारीक वाला ही है ये नारियल का, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास जैसे बारीक नहीं है तो थोड़ा सा आप पीस सकते हैं, ड्राई सूखे नारियल से बना सकते हैं, उसके छिलके हटाकर पीस ले। अब एक चम्मच घी डाल दिया और एक कप मैंने दूध और 1/3 कप ये चीनी है, मतलब जितना हमने नारियल का पाउडर लिया है उसका 1/3 हिस्सा। तो यहाँ पर चीनी आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस 2-3 बॉयल दूध में अच्छे से लेकर आएंगे ऐसे, तो दूध थोड़ा सा अच्छे से पक भी जाएगा। वैसे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा पकाना है, मावा जैसा टेस्ट चाहिए, तो आप थोड़ा और ज़्यादा दूध ले सकते हैं, 2 कप भी, और थोड़ा अच्छे से पका ले, थोड़ा दूध कम भी हो जाता है तब आप बनाएं। साथ में थोड़ा सा इलायची को मैंने तोड़कर डाल दिया, इसके साथ में थोड़ी पक जाएगी तो फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। आप चाहे तो बाद में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे नारियल का पाउडर और यहाँ पर ये जैसे ही दूध के अंदर पकेगा थोड़ा सा अच्छे से दूध को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो मीडियम फ्लेम करके कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर जब तक ये थोड़ा अच्छे से ऐसे ड्राई नहीं हो जाता ना, तब तक आपको थोड़ा पकाना है। तो ये अच्छे से ऐसे फूल भी जाता है और एकदम अच्छा भी बनता है, सॉफ्ट भी लगता है। तो यहाँ पर ऐसे आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। कोई भी मिल्क पाउडर, मलाई कुछ नहीं डाल रही हूँ आज मैं इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से देखिए थिक हो गया और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी, और जैसे ही अच्छे से दूध के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो ये अच्छे से फूल भी जाता है। तो ऐसे इसको अब थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, अभी गर्म है तो हल्का सा ही गर्म है, बस इसको थोड़ा 2 भाग एक साइड में कर लेंगे, थोड़ा सा एक साइड में। तो इसमें हम थोड़ा फूड कलर डालने वाले, एक को प्लेन रखेंगे कम वाले को। इसके अंदर थोड़े से काजू को मैंने चॉप करके लिया है बारीक, ऐसे ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं चाहे तो, और ऐसे मिक्स करेंगे और इसकी बिल्कुल छोटे साइज की हम गोलियां सी बनाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े साइज की नहीं, हो सके थोड़ा छोटा ही बनाएं। तो साइज में आप वैसे तो कर सकते हैं थोड़ा बड़ा छोटा, लेकिन इतने साइज की बिल्कुल सही है। अब जो दूसरा है उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने रोज, मतलब फूड कलर है एसेंस ये, तो ऐसे कोई भी फूड कलर ऐसे आपके पास है मिठाई में डालते हैं, रेड पिंक जो भी है तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा रेड पिंक सा कलर देखिए इसका आ जाता है। तो यहाँ पर जब आप मिक्स कर रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट ही होना चाहिए, बनाने में दिक्कत आएगी अगर ज़्यादा टाइट होगा तो। तो छोटे साइज की थोड़ी ऐसी गोलियाँ बना लेते हैं। तो एक साइज की आप ऐसे बराबर बना सकते हैं पहले भी, और आप चाहे तो इससे मतलब डबल बनानी है, इतना आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। अब हाथ पर रखेंगे, हल्का सा ऐसे फ्लैट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज, तो ऐसे आप सेट करके बनाएंगे। उसके बीच में रख देंगे प्लेन वाली गोली जो बनाई थी हमने छोटे साइज की, और इसको कवर कर देंगे अंदर ऐसे अच्छे से। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा है तो आप निकाल सकते हैं ऐसे, और अच्छे से ऐसे रोल कर दे, और ये बिल्कुल अच्छे से देखिए सेट हो जाता है। तो साइज में देखिए आप थोड़ा सा इसमें बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। तो पहले सभी को ऐसे ही तैयार कर लेना है। और यहाँ पर बस आपको यही ध्यान देना, अगर आपका डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ज़्यादा मोटा है ना, तो आप पहले ही उसे थोड़ा पीस कर ले, वरना आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो जाता है अगर ज़्यादा मोटा है तो। ऐसे थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, तो ऐसे सेट कर सकते हैं आप बाद में भी, थोड़ा सा दूध डालकर पानी ऐसे, क्योंकि बाद में थोड़ा कुछ देर रखेंगे तो सेट हो जाता है जल्दी, थिक होना सर हो जाता है। और आप ऐसे बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को ऐसे बना लिया, और कुछ इसमें थोड़े एक दो छोटे साइज के भी बनी है, लेकिन लगभग बराबर ही दिख रहे हैं एकदम अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने पिसी हुई बारीक वाली चीनी और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर थोड़ा मिक्स करके लिया है ऐसे। आप चाहे तो खाली शुगर या फिर ऐसे नारियल का पाउडर ही ऊपर से कोट कर सकते हैं। तो ऐसे कोट करेंगे तो एक अच्छा सा मतलब लुक भी आता है, देखने में भी अच्छी लगती है, एकदम आपको अलग सी दिखाई देगी। तो सभी को पहले आप ऐसे तैयार कर लें।
तो यहाँ पर सभी को हमने पहले देख ही तैयार कर लिया ऐसे ही कोट करके। अब इसके बाद एक और मैं आपको डिजाइन बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप उंगली से बीच में हल्का सा दबाए या फिर पैन जो होता है ना उसके पीछे की साइड से आप थोड़ा ऐसे दबा सकते हैं, हल्का सा होल सा बनेगा एक, अच्छा सा मतलब दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ और लगाने वाले हैं। तो पहले आप ऐसे तैयार कर लें, आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं कुछ देर, लेकिन मैं दिखा देती हूँ इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाली हूँ। तो मैंने ये फ्लावर से मिल गए ऐसे ही पास में, तो इसमें क्या ऐसे डंठल से होते हैं, तो ऐसे आप देखिए कट कर लें, ऐसे तीन चार डंठल होते हैं, आपको दो रखना है तीन रखना है जितना भी है, ऊपर से एक्स्ट्रा कट करें। जैसे जैसे आप सेट करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा, और इसी से एकदम बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छा बन जाता है। तो इसको मैंने पहले ही धोकर अच्छे से साफ कर लिया था ऐसे। अब इसके बाद आपको देखिए ऐसे करना है, जैसे मैंने इसके अंदर दो तीन डंठल से रखे हैं ना, तो ऐसे आपको दो या तीन में जैसे भी सेट हो ऐसे आपको सेट कर लेना है। तो जो हमने होल सा बनाया था ना उसके ऊपर थोड़ा सा दबाएंगे, अंदर की तरफ थोड़ा सा जाएगा, ऐसे सॉफ्ट है तो ये सेट हो जाएगा मतलब। तो ऐसे दो या तीन, या फिर चाहे तो आप एक भी कर सकते हैं, और एकदम बहुत ही अच्छा से लगता है ऐसे पत्ती के साथ में ग्रीन, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए सभी को हमने ऐसे तैयार कर लिया, तो लग रहा है ना एकदम बहुत ही अच्छा सा मतलब लुक इसका। आपको कैसा लग रहा है, मतलब कुछ चेरी के जैसा लग रहा है या नहीं? तो देखने में पहली बार में तो सब ऐसे ही सोचेंगे ये चेरी जैसी चीज़ है, मतलब मिठाई है या ओरिजिनल चेरी है देखने में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे बनाकर किसी के सामने सर्व कर सकते हैं, कुछ यूनिक भी दिखेगी। सिंपल देखिए नारियल से हमने बनाया है, कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं, मावा मिल पाउडर कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी। भी त्यौहार फेस्टिवल पर ऐसे आप पहले से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और सब पूछेंगे कैसे बनाया, और स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई कम से कम चीज़ों में बन जाती है। तो सिंपल चीज़ों को कुछ यूनिक तरीके से आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इससे मुझे पता चलता है कि आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आसानी से एकदम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन जाती है, और सभी को पसंद आने वाली है, कुछ यूनिक भी दिखाई देगी। और आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।